श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल द्वारा बलकेश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में जन्माष्टमी महोत्सव एवं छप्पन भोग आयोजन के दूसरे दिन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आस्था और विश्वास के साथ उत्साहपूर्वक 500 से अधिक लोगों ने हाथों में श्याम नाम की मेहंदी लगवाई। मेहंदी की सुगंध में घुला था भक्ति का सच्चा रंग। भक्ति के रंग में डूबे थे महिला पुरुष और बच्चे सभी। इसमें एक वर्ष की बालिका से लेकर 70 से अधिक वर्ष की श्रद्धालु भी शामिल रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर हेमलता दिवाकर ने दीप प्रज्वलन एवं हाथों में मेहंदी रचवा कर मंदिर ट्रस्टी राम मोहन कपूर और सतीश गोपाल कपूर ने बताया कि लगातार 15 वर्षों से श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में भव्यता के साथ जन्माष्टमी महोत्सव एवं छप्पन भोग आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 26 अगस्त को महालक्ष्मी माँ को 11,000 किलो के 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मेहंदी प्रतियोगिता में जिले भर से 200 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्याम नाम की मेहंदी लगवाई। महिलाओं ने जहां हाथों में मारवाड़ी और भरवा मेहंदी लगवाई तो पुरुषों ने श्याम नाम मेहंदी से लिखवाया। देखिए, सावन मास और भादो मास हमारे सनातनियों के लिए बहुत पवित्र महीने कहलाए जाते हैं, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि आगरा में तो विशेष तौर पर श्रावण मास में और एक बड़ी परिक्रमा हमारे आगरा में लगाई जाती है। और आप लोग देखते होंगे कि पूरा हमारा आगरा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, जैसे 7 शिवलिंग हमारे आगरा में हैं जिनके आशीर्वाद हमारे पूरे आगरावासियों पर बना रहता है। आज मैं बलकेश्वर में हूँ। यहाँ पर श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज बहने रंगारंग कार्यक्रम कर रही हैं और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान सुनील जी और हमारे पार्षद श्रीमान रामवीर जी और हरिओम बाबा जी, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, पूरी कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इतना बड़ा मेहंदी का और कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया। मेहंदी के शगुन के गीतों पर श्रद्धालुओं ने भक्ति से सराबोर नृत्य भी किया। मेहंदी प्रतियोगिता संयोजक शिवानी कपूर, निशु, सपना, ज्योति, संगीता आदि थी। आयोजन में रवि खंडेरवाल, सीए मनीष अग्रवाल, ध्रुव गर्ग और मनीष अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। महालक्ष्मी भक्त मंडल के महिला मंडल यहाँ पर आई हुई है, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन है, हर साल जन्माष्टमी पर ये प्रोग्राम हम लोग रखते हैं और सारे शहरवासी इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज का प्रोग्राम है, आज का ये मेहंदी का प्रोग्राम है। सभी यहाँ पे सभी महिला मंडल और सभी सदस्यगण यहाँ पे आए हुए हैं। सब बच्चे अपने अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेहंदी में और हम लोग उनको गिफ्ट वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजन की व्यवस्थाएं प्रदीप गोयल, आशीष सक्सेना, कौशल बंसल, अजय अग्रवाल, अमित अग्रवाल, रितेश गुप्ता, नीरज वर्मा आदि संभाल रहे हैं। महामंत्री अशोक सिंघल ने बताया कि रविवार को सुबह 8 बजे श्री महालक्ष्मी मंदिर से जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी मंदिर के लिए निशान यात्रा निकलेगी। भव्य निशान यात्रा में 2100 से अधिक निशान, दर्जन भर झांकियां, डीजे ट्रक आदि शामिल होंगे। नारी सशक्तिकरण का परिचय देते हुए बेटियां सेना की योद्धाओं के स्वरूप में घोड़े और स्कूटी पर सवार होकर निकलेंगी। हजारों श्रद्धालु नंगे पांव निशान यात्रा में शामिल होंगे। आज यहां पे बहुत ही भव्य दरबार सजा हुआ है और आज मेहंदी की प्रतियोगिता रखी गई है, इसमें की बहुत छोटी छोटी बच्चियां बहुत सुंदर बहुत प्यारी मेहंदी लगाई हुई है मैया के नाम की, और इस प्रोग्राम को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से पूरा करना चाहेंगे और सभी से ये विनती करना चाहेंगे कि यहाँ पर 5 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें सभी अपने साथ परिवार, अपने साथ मित्रों सहित आएं और इस परिवार इस प्रोग्राम को और भी भव्य और सुंदर बनाने में हमारी सबकी सहायता करें। कोषाध्यक्ष विकास मित्तल ने बताया कि शाम 8 बजे राधानगर बलकेश्वर से श्री महालक्ष्मी मंदिर तक बैंड बाजे के साथ पोशाक यात्रा निकलेगी। पोशाक यात्रा में अन्य झांकियों के साथ महालक्ष्मी मां की भी झांकी शामिल होगी। श्रद्धालु बारी बारी से सिर पर पोशाक की डलिया लेकर चलेंगे। वृंदावन के कलाकारों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई 21 किलो की पोशाक माँ को अर्पित होगी। जरी, जरदोजी, कुंदन आदि से लाल रंग पोशाक को सजाया गया है। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।